इंदौर में पुलिस द्वारा मारपीट का वीडियो कल पूरा दिन सुर्खियों में रहा, जिसके बाद इंदौर एसपी आशुतोष बागरी द्वारा दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया था। लेकिन जांच में पता चला है कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी वो एक पुराना आरोपी है, जिस पर कई अपराध दर्ज हैं। गौरतलब है कि कल शाम को पुलिस द्वारा एक व्यक्ति से मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सारा दोष पुलिस कर्मियों पर मढ़ दिया गया था। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही थी वो एक पुराना आरोपी निकला, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस आरोपी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नशे में धुत होकर ये गाड़ियों पर तलवार से हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया था। इसकी जांच परदेशीपुरा सीएसपी निहित उपाध्याय को सौंपी गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जिसमें कि वो व्यक्ति तलवार से जो है गाड़ी की सीट काट रहा है, उस पर हमला कर रहा है, नशे की हालत में, ये वही आदमी है जिसपे पुलिस पे बार बार आरोप लग रहा है कि पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट करी है। असल में जो है शुरुआत में, जैसा कि हमने कहा कि शुरुआत में जो है इसने पुलिस का कॉलर पकड़ करके थप्पड़ मारने की उसमें कोशिश करी इसने, तब जो ये घटना हुई। और ये जो इसकी जो और भी जो चीज़ें हैं, आप और भी वीडियो आप देख लेंगे, इसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो है आदमी कैसा है। फिर भी हम कह रहे हैं कि फिर भी ये उचित नहीं था कि जो पब्लिक के बीच में पुलिस वालों ने हरकत करी, मारपीट करी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है हमने तुरंत ही उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद उनको एसपी ऑफिस अटैच किया, उसकी जाँच करवा रहे हैं, जाँच भी हम निष्पक्ष रूप से करवाएंगे, सारे सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे, सारे तथ्य देखेंगे, और इसके बाद भी यदि दोषी पाए जाते हैं तो जो कठिन से कठिन कार्रवाई है वो इन आरक्षकों के ऊपर की जाएगी।